हेलो दोस्तों, हार्ट अटैक एक बहुत ही कॉमन बहुत डेंजरस बीमारियाँ हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में हार्ट अटैक से संबंधित बहुत सारी मिथ और अवधारणाएँ रहती हैं, भ्रांतियाँ मन में रहती हैं। आज हार्ट अटैक संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अवधारणाओं पर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स को हम बस करने का प्रयास करेंगे ताकि एक मेंटल क्लैरिटी डेवलप हो पाए और आप हार्ट अटैक जैसी बीमारी को समझ पाएँ और इससे रिलेटेड इशू को समझ पाएँ। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट मिथ जो लोग को जानने की आवश्यकता है, लोगों को लगता है हार्ट अटैक खाली बूढ़े लोगों की बीमारियां है, उम्र दराज लोगों को ही खाली हार्ट अटैक आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हार्ट अटैक यंग लोगों में भी आ सकता है। एज, जेंडर, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें भी पूरी तरह से हार्ट अटैक को अफेक्ट नहीं करती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कंपेरेटिवली यंग लोगों में, फीमेल लोगों में और एथलीट्स वगैरह में हार्ट अटैक आने का चांस कम होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। तो सिर्फ बूढ़ों की बीमारी है ये सोचना तो बिल्कुल गलत है, यंग लोगों में भी हो सकता है। हाँ, कंपेरेटिवली जितने ज़्यादा आप फिट हो, जितने ज़्यादा आपकी फिटनेस और एथलेटिसिटी अच्छी है, उतने चांसेस कम होंगे, लेकिन जीरो नहीं। इसके अलावा कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हमेशा सीवियर चेस्ट पेन के साथ ही आएगा। यदि अगर छाती में दर्द नहीं हो रहा है तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये तो हमारे लिए एक सरदर्द का इशू है। लोगों को समझाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि भाई आपको हार्ट अटैक है, ये कोई खांसी बुखार का बीमारी नहीं है, ये मसल पेन नहीं है, एसिडिटी का पेन नहीं है। लोग कितनी बार ऐसा हो चुका है कि प्रेजेंट हार्ट अटैक, बड़ा हार्ट अटैक लेके भी घर चले जाते हैं कि हार्ट अटैक मेरे को तो हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत फिट हूँ, मेरे को तो दर्द हो ही नहीं रहा, थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो कैसे हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा लोगों को कई बार लगता है कि बहुत तेज़ दर्द बहुत घंटे तक चलेगा तभी हार्ट अटैक होगा। इनफैक्ट लोगों को कई बार ये भी लगता है कि घर दर्द जो है वो कई दिनों तक चलना चाहिए तो ही हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक की नली अगर नहीं खोली तो दर्द कैसे कम हो गया। हार्ट अटैक के पेशेंट में दर्द जो है 4-6 घंटे तक चलता है। अक्सर जब नली खुलती है तो दर्द कम हो जाता है, नली नहीं भी खुलती है तो टिश्यू कई बार डेड हो जाता है या कोलैटरल्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द कम हो जाता है। हार्ट अटैक होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्ति को कई दिनों तक दर्द होता रहेगा, और हर व्यक्ति को दर्द होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। 10-20% ऑफ द पेशेंट्स में पेनलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है। पेनलेस या साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियोस किए, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक खाली हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को होता है। लोगों को लगता है यदि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी, तो मुझे हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। ये कम्प्लीटली गलत है और एक मिथ है। कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका डेफिनेटली एक मार्कर है जिससे आपके हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ता है, पर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल ही उसका मार्कर नहीं, बहुत सारे और कारण होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तो यदि आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी अगर नॉर्मल है तो भी आप पूरी तरह से ये नहीं मान सकते कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। हाँ, हार्ट अटैक आने का चांस कुछ हद तक ज़रूर कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह ख़त्म या कम हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल पर सिर्फ डिपेंडेंट रह के आप ये सोचें कि हार्ट अटैक बिल्कुल ही नहीं आएगा अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, तो ये गलत है। इसके अलावा कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक में हमेशा लोगों की जान चली जाती है। लोगों को ऐसा लगता है हार्ट अटैक के बाद भी वो कैसे जिंदा है। लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कंफ्यूज करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में सडन अरेस्ट में जाता है पेशेंट, अरिथमिया में जाता है। हार्ट अटैक मतलब नली का बंद होना, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। इसमें हर व्यक्ति मर जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक के बाद जीते हैं। इनफैक्ट हार्ट अटैक में मृत्यु दर लगभग 20-25% के आसपास होता है। 70-80% लोग हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट नहीं भी करो तो भी बच जाएंगे। तो इसलिए हार्ट अटैक में हर व्यक्ति ही मर जाएगा, ये कम्प्लीटली मिसकंसेप्शन है, और इसको जो लोग मानते हैं या समझते हैं वो अपने ट्रीटमेंट को अननेसेसरी करते हैं कि मेरा पेशेंट जिंदा है मतलब हार्ट अटैक तो हो ही नहीं सकता, तो वो बिल्कुल ही गलत है। और इसमें आपका जो बचा हुआ पेशेंट है वो भी शायद 2-4 दिन 5 दिन के बाद सडनली कोलैप्स करके ना मर जाए। इसके अलावा कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक खाली मोटे लोग की प्रॉब्लम है, क्योंकि शरीर में वजन ज़्यादा है तो उन्हीं को हार्ट अटैक आएगा। ये भी कम्प्लीटली गलत है। हार्ट अटैक दुबले पतले लोगों को भी होता है और काफ़ी कॉमनली होता है। मोटे लोगों में डेफिनेटली हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो हार्ट अटैक का भी रिस्क ज़्यादा रहेगा। लेकिन हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक है वो मोटा ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हार्ट अटैक दुबले पतले लोगों को भी होता है, काफ़ी कॉमनली होता है। इनफैक्ट 50-60% पेशेंट जो उनको हार्ट अटैक होता है वो दुबले पतले ही होते हैं। इसलिए मैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक खाली फिजिकल एग्जर्शन या इमोशनल आउटबर्स्ट के टाइम ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। फिल्मों को देख के लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है कि सडनली घर में कोई तनाव आया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, या सडनली दौड़ते भागते कोई कुछ काम कर रहे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ऑब्वियसली फिजिकल एग्जर्शन या इमोशनल आउटबर्स्ट एक रिस्क फैक्टर जरूर है हार्ट अटैक आने का, पर हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक आएगा उसको यही कारण होगा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट को बैठे बैठे या सोते सोते या कुछ काम नहीं भी करे तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ, फिजिकल आउटबर्स्ट या बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इमोशनल वाला ज़्यादा होगा, फिजिकल से या मैराथन दौड़ने से हार्ट अटैक आएगा इसके चांस उतने नहीं है, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा दौड़ रहे हो या ओवर एग्जर्ट कर रहे हो,
तब तक यूजली नहीं आएगा, पर ओवरऑल ये भी कारण कुछ ज़रूर है, फिजिकल एग्जर्शन और आपका इमोशनल आउटबर्स, लेकिन ये ही कारण है हर हार्ट अटैक का, ऐसा सोचना गलत है। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट मिथ जो लोग अक्सर सोचते हैं, जिसके बारे में आज बात करेंगे, वो लोग को लगता है हार्ट अरेस्ट और हार्ट अटैक सेम चीज़ है। ये भी कम्प्लीटली गलत है। कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल अलग चीज़ है, कार्डियक अटैक अलग चीज़ है। अटैक का मतलब होता है नली का बंद होना, अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट के रिदम प्रॉब्लम की वजह से हार्ट का बंद हो जाना। हार्ट अरेस्ट में काफ़ी लोग मर जाते हैं, 2-5 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट नहीं मिले। हार्ट अटैक में ज़्यादातर लोग बच जाते हैं, 70-75% लोग बच जाते हैं, 20-25 लोग मरते हैं। हार्ट अटैक में भी ज़्यादातर लोग जो मरते हैं वो अरेस्ट की वजह से मरते हैं, पर हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक है सबको अरेस्ट हो ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। इसलिए दोनों सेपरेट चीज़ें, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया है, ज़रूर उसे देख लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के टॉपिक में हार्ट अटैक संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या मिसकंसेप्शन पर हमने बात करी। उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक यूजफुल रहा होगा और आपके मन में कुछ अवधारणा या भ्रांति थी वो क्लियर हो गई होंगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।